नमस्कार। खना बच्चन जी के द्वारा बराह मिहिर माध्यम से श्रृंखलित कुछ सूत्र हमारे ओडिशा में बहु प्रसिद्ध प्रचलित खना बच्चन पुस्तक ज्योतिषी सूत्र आपके समक्ष उड़िया से हिंदी अनुवाद करते हुए अति सहज सरल सूत्र हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये अनुरोध करूंगा किसी एक सूत्र को लेके जातक को पूर्ण फलादेश ना करें। जो लोग ज्योतिषी सीख रहे हैं उस एक फल के साथ बाकी ग्रहों के स्थिति दशा अंतरदशा शुभ ग्रह के दृष्टि युतियों को और पूरे कुंडली को अनुक्षण निरीक्षण करने के बाद ही फलादेश करें। यह सावधानी बताने के बाद मैं यह सूत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। चौसा गर ग्रहे मेला तार कोष्टी न करे हेला अच्छी जोग पाए सिद्धि निजे आसी मिलाए बुद्धि। अगर चार ग्रह इस सूत्र का ये उड़िया का सूत्र बता दिया, अब इसका जो आपके सामने ट्रांसलेशन व भाषांतरण करना चाहूँगा। अगर किसी भी राशि या लग्न पे चार ग्रह अगर मिल के बैठते हैं मिलित होते हैं तो यहाँ खना जी बोल रहे हैं वो व्यक्ति राज भोग करता है। विधि निबद्ध के अनुसार उसके सारे कार्य हो जाते हैं और बहुत सारे नौकर और चाकरों के बीच में वो सेवा प्राप्त करता है, सुखी संपन्न जीवन जीता है। इसमें कुछ क्लॉज भी हैं। अगर सोचिए चार शुभ ग्रह हों या वो जिस घर पे बैठे हैं वो वहाँ पर शत्रुघ्नी ना हों, इस प्रकार के वो ज्योतिषीय कुछ अनुच्छेद जरूर हैं, लेकिन ये ओवरऑल यहाँ पर बताया गया है। और ना समझ आए तो आप पुनः हमें प्रश्न कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं आप। दूसरा सूत्र है तीनी सागरे नीचे जीबा तार कोष्ठी को नीचे थोइबा राजा होई पाए निधि निजे आसी मिलाए विधि। यानी अगर किसी जातक या किसी कुंडली में तीन ग्रहों का जमावड़ा के अंदर बृहस्पति जीवे बृहस्पति अगर हों तो ऐसा व्यक्ति के पास वो ऐसा व्यक्ति राजा का बेटा नहीं होने के बावजूद राजतुल्य जीवन यापन करता है और उसके पास संपत्ति धन अपने आप आके पहुंचता है, चाकर नौकर उसके पास अपने आप आते हैं। इस प्रकार के युग को शुभ योग कहा जाता है। सूत्र नंबर नेक्स्ट तीसरा सूत्र अगर हम विचार करें मकर घरे रहिले कुज सिंह घरे रहिले चंद्र नित्य करे क्रीड़ा रंग बेरंग इष्ट कुटुंबे करे भोग एमंत कोष्टी नरपति योग। नरपति यानी राजा, राजयोग है। अगर मकर लग्न पे मकर में मंगल रहे और सिंह राशि में सिंह लग्न पे चंद्र हो, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बैठता है तो ऐसा जातक भिन्न भिन्न प्रकार के क्रीड़ारथ आनंद मौज मस्ती करने वाला जीवन उसका खेल कूद के खेल खा के जाता है, खेल खाओ वाला जिंदगी उसका होता है। और राजा तुल्य वो पूजा प्राप्त करता है और धन संपदा उसके जीवन पे कभी घटता नहीं है, अपने आप प्राप्त होते हैं। ये स्वयं में एक राजयोग प्रमाणित है। अगला सूत्र बहुत सुंदर बता रहे हैं लग्ने शुक्र कवित्व बड़े
लग्न में अगर शुक्र हो तो बचपन से ही कविता करने लग जाता है, शिशु काळू घोड़ा चौढ़े, यानी बचपन से ही घोड़ा चढ़ता है, मतलब उसका मान सम्मान इतना होता है, भूमि भवन वाहन गाड़ी और उसके उसको सब कोई सम्मान देने लगते हैं। नित्य लोके लोक संगे करे संवाद, शास्त्र एड़ी तेजे विवाद, यानी नित्य निरंतर लोगों के साथ संवाद करता है, अपने बात का दम रखता है, दमखम रखता है, और शास्त्रों को से ऊपर जाके भी बड़े बड़े विवादों का विनाश करता है या समाधान कर देता है, और शास्त्र का बात छोड़ के भी विवाद में पड़ता है। ऐसा जातक विद्या बल के कारण बहुत प्रशंसा पाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ा बुद्धि संपन्न भी रहता है। अगला चमत्कार सूत्र सुनिए। सप्तमे गुरु षष्ठे रवि पंचम घरे बुध यदि चतुर्थ शुभ्र भुंजे राज्य अवश्य मिले धनराज्य। आप सूत्र क्या कह रहा है? सप्तमे गुरु, सप्तम में गुरु हो, षष्ठ में, छह में रवि हो, छठवां घर में सूर्य हो, पंचम घर में बुध हो, ऐसा अगर कुंडली है, चतुर्थे शुक्र, ऐसा चतुर्थ भाव में शुक्र हो, ऐसा ज्योति ज्योतिषी अगर हो तो बहुराज्य भोगकारी और बहुत धन धान्य प्राप्तकारी राजयोग होता है, बहुत से भूमि भवन वाहन धन संपत्ति में घर परिपूर्ण रहता है। तो अति सरल और सहज सूत्र है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें इस वीडियो को। नमस्कार।